हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एसएससी जेई एग्जाम 2016 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7909065661 पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मटेरियल हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। ऑप्शन दिया है रबर, वुड, कॉपर, स्टील। तो रबर का जो है पॉइजन रेशियो 0.5 होता है और कॉर का 0 होता है। तो इन चारों ऑप्शन में जो है सबसे ज़्यादा पॉइजन रेशियो रबर का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर। ऑप्शन है इनडिटर्मिनेंट पिन जॉइंटेड ट्रस। ऑप्शन बी है रिजिड फ्रेम्स। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है रिजिड फ्रेम के लिए जो है बेस्ट सुटेड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ सिग्मा एच एंड सिग्मा बी आर द अल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस रिजॉल्व्ड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिस्पेक्टिवली एंड सिग्मा एम इज़ द अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एक्टेड अपॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन है समीशन सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा बी इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो है ऑल फोर्सेस जो है का जो है सम जो है 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग एब्जॉर्ब 30 Nm ऑफ एनर्जी वाइल एक्सटेंडिंग बाय 5 mm, तो इट्स स्टिफनेस विल बी। स्टिफनेस निकालना है तो F इक्वल टू के एक्स होता है, तो K निकालना है तो F बाय एक्स हो जाएगा। फोर्स जो है 30 Nm है और डिस्प्लेसमेंट जो है हो रहा है एक्सटेंडिंग हो रहा है 5 mm, तो 6 mm जो है यहाँ पे आ जाएगा स्टिफनेस। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ब्रिटल मटेरियल ऑफ 4 square meter क्रॉस सेक्शन कैरीज एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 20 tons, व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द ब्लॉक। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो टॉ मैक्स होता है इक्वल टू होता है 3/2 टॉ एवरेज। तो 3/2 टॉ एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे लोड जो है लग रहा है 20 टन, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय यहाँ पे जो है एरिया हो जाएगा। एरिया जो है 4 square meter है, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 4×10^4 cm². तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 0.75 kg/cm आ रहा है। तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल बी बेस्ट इन टॉर्सन। ऑप्शन है सॉलिड सर्कुलर, होलो सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर। तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा, क्योंकि जो है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर जो है नॉट फॉलो नहीं करता है टॉर्सनल थ्योरी को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी है, सॉलिड सर्कुलर और होलो सर्कुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा होलो सर्कुलर। होलो सर्कुलर का जो है टॉर्सनल रेसिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होता है और एफिशिएंट भी होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, होलो सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू। तो ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस जो है इक्वल टू क्या होगा, तो टॉम एक्स होता है इक्वल टू होता है σ1 - σ2/2। तो यहाँ पे σ2 0 है, तो σ1 जो है नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा 2 times जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2x द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बीम इज सपोर्टेड ओवर 3 rollers लाइंग इन द सेम प्लेन, द बीम इज स्टेबल। ऑप्शन ए है फॉर एनी जनरल लोडिंग, तो इनकरेक्ट है। एनी जनरल लोडिंग के लिए जो है ये स्टेबल नहीं होगा। ऑप्शन बी है फॉर लोडिंग विथ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द बीम। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ बीम होगा तो ये जो है अनस्टेबल हो जाएगा बीम। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, फॉर लोडिंग विथ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द बीम। क्वेश्चन 9 है, द फोर्सेस एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार शोन इन द फिगर बिलो इंट्रोड्यूज। तो यहाँ पे जो है फोर्स लग रहा है यहाँ पे बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। अगर इन द डायरेक्शन हो बॉडी के तो कंप्रेसिव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू बीम ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल
एरिया आर सब्जेक्टेड टू इक्वल बेंडिंग मोमेंट इफ वन बीम हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड द अदर हैज सर्कुलर क्रॉस सर्कुलर सेक्शन देन ऑप्शन ए बोथ बीम्स विल बी इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रेस जो है डेवलप होगा सिग्मा इक्वल टू एम वाई बाय आई, आई जो है सर्कुलर सेक्शन का जो है यहाँ पे कम होगा और जो है यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन का ज़्यादा होगा। तो सर्कुलर सेक्शन में जो है स्ट्रेस कम डेवलप होने के कारण ये जो है सर्कुलर सेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर सेक्शन बीम विल बी स्ट्रॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर। शियर स्पान में जो है शियर फोर्स जो है कांस्टेंट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शियर फोर्स इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, लार्ज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, दोज एसोसिएटेड विथ फटीग फेल्योर वुड इंक्लूडेड। तो फटीग फेल्योर जो है रिपीटेड जो है अप्लाइड लोड के कारण जो फेल्योर होता है उसे हम फटीग फेल्योर कहते हैं। तो ऑप्शन ए है लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल करेक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल होता है। ऑप्शन बी है लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस होता है करेक्ट है, लार्ज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है तो सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू। तो स्लोप ऑफ कर्व ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इक्वल टू होता है डी बी इक्वल टू डी एक्स होता है डब्लू लोड इंटेंसिटी के। तो ऑप्शन ए दिया है द स्लोप ऑफ लोडिंग एट द सेक्शन, ऑप्शन बी है द ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई बीम अकर एट, ऑप्शन ए है न्यूट्रल एक्सिस। तो एट न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे जो है बेंडिंग स्ट्रेस जो है जीरो होता है। ऑप्शन बी है आउटर मोस्ट फाइबर, ये जो है आउटर मोस्ट फाइबर हो गया और यहाँ पे जो है बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है आउटर मोस्ट फाइबर पे होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन अ स्टेटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लास्टिक हिंज विल रिड्यूस द नंबर ऑफ रिडंडेंसी बाय। तो फर्स्ट जो है प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन होने से जो है रिड्यूज होगा रिडंडेंसी वन, आर माइनस वन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वन।